Good morning, students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn Hindi subject, कक्षा सात प्रथम सत्र. चलो लास्ट में हमने पुनरावर्तन एक वो किया था और वो आपने वर्कबुक में कंप्लीट किया होगा. आज हम नया चैप्टर देखते हैं. चलो आज का अव्यय पांच हिंद देश के निवासी. विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परियाचक है. मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है. विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है. तो बच्चों हम इस काव्य को पहले समूह गान करेंगे, बाद में मैं आपको इस काव्य की समझूती दूंगी. इकाई पांच हिंद देश के निवासी कविता. ध्यान से कविता सुनिए. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. रंग रूप वेश भाषा
चलो हमने कविता सुनी। आपको पता है भारत एक निराला देश है, यहाँ अनेक जातियों धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद भी यहाँ एकता है, यहाँ सब लोग हिलमिल कर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन हमें बताया है, तो उसकी समझूती हम देखते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं, उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हों। बेला गुलाब चूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। बेला यानी कि मोगरा, गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु जब भी वो प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि तेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। यानी कि कोयल की बोली निराली होती है, पपी है की बोली भी बहुत ही अपनी मिठास में होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले अलग अलग हो, पर उनका जो राग है वो एक है। उसी तरह से हम भी जो भी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी हम भारतवासी जब भी साथ हो तब हमारी एक ही आवाज़ होती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। कहते हैं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वह एक हो जाती है। इसी तरह से देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म है अनेक जिनका सार वही एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। धर्म है अनेक जिनका, यानी कि अनेक धर्म पर उनका सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही होता है, मनुष्य को उन्नत बनाना। फिर इसी तरह से सभी भारतवासियों का लक्ष्य भी कैसा होना चाहिए कि सबको अपने देश को उन्नत बनाना यानी आगे बढ़ाना। तो इस तरह से हमने आज हिंद देश के निवासी यह काव्य देखा। अब हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। काव्य के जो शब्दार्थ है, कूक, कूक यानी कोयल की आवाज़, पपीहा यानी एक पक्षी का नाम, टेर, टेर यानी पपीहे की पुकार, तराना यानी गीत, पंथ यानी रास्ता, निराला यानी अनूठा, मंजिल यानी ध्येय। चलो अब हम उसके स्वाध्याय जो पुस्तक का है उसके क्वेश्चन आंसर ओरल ही देखेंगे, बाकी के आपके जो क्वेश्चन आंसर और सब एक्टिविटीज़ है वो हम वर्कबुक में करेंगे। ओके चलो, यह कविता का जो स्वाध्याय है उसके फर्स्ट है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो उसका आंसर रहेगा, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, अलग पहनावे से वो अलग होते हैं, फिर वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वह अलग अलग धर्म में मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि तरह के फूल एक रूप हुए हैं। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो इस हिंद देश निवासी कविता में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी इन नदियों का उल्लेख है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान भी अलग अलग जगह से है, वह अलग अलग मार्गों से बहती है, परंतु यह सब नदियां अंत में एक होकर सागर में मिलती है। उसी तरह से हम भारतवासी भी अलग अलग होने पर भी एक होकर भारत में रहते हैं। ओके फिर अब आगे की एक्टिविटी देखो। कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा यानी सर्कल कीजिए
और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो यह फर्स्ट बॉक्स जो है उसमें लिखा है पंथ, राह, रास्ता और पैर। तो देखो पंथ, राह और रास्ता तीनों का एक ही अर्थ होता है, पर पैर जो है वह शब्द अलग है, समानार्थी नहीं है, तो हम उस पर सर्कल बनाएंगे। चलो अब दूसरा देखते हैं, कुसुम, पुष्प, फूल और कांटा। तो कुसुम, पुष्प और फूल इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, कांटा जो है वह समानार्थी शब्द नहीं है, तो हम उस पर सर्कल बनाएंगे। तीसरा है आम, अनूठा, अनोखा और निराला। तो ये निराला, अनूठा और अनोखा तीनों का अर्थ एक जैसा ही होता है, आम जो शब्द है वो अलग है, तो हम उस पर सर्कल बनाएंगे। अब जो फोर्थ है उसमें देखो जन, मनुष्य, मानव और स्त्री। तो इन तीनों में तीनों का अर्थ जो है वो समान है, और जो स्त्री है वह अलग है, तो इसलिए हम उस पर सर्कल बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसके जो वाक्य है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने होंगे, तो मैं आपको वो लिखवा दूंगी बाद में, अभी हम लोग करेंगे वर्कबुक का वर्क। चलो अब हम वर्कबुक में अपना वर्क करेंगे, हिंद देश के निवासी, उसमें यहाँ जो विकल्प है वह करेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही चुनकर उसका क्रम आपको बॉक्स में लिखना है। फूलों को माला में खाली जगह जाता है, मथा, डाला, पिरोया या गूथा। तो फूलों को माला में गूथा जाता है, तो आपको यहाँ पे डी लिखना है। कोयल की डैश निराली होती है, कोयल की जाति कूक, चौंच या भूक। तो कूक आएगा, तो कूक लिखेंगे हम। सभी डैश की मंजिल एक है, तो यहाँ पे पंथ, संतो, कदमो या यात्री। तो पंथों की, तो यहाँ पे हमें लिखना है पंथ। फिर डैश की टेर सबको प्यारी लगती है, सारस, पपी है, तोता या बुलबुल। तो पपी है की टेर सबको प्यारी लगती है, तो आंसर रहेगा बी। चलो अब यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें, यहाँ से जो कोष्टक है उसमें से चुनकर शब्द को। हिंद देश के डैश सभी जन एक है, तो क्या आएगा, निवासी। प्यारे प्यारे फूल गूंथे डैश में एक है, तो उसका आएगा माला। गा रही डैश बुलबुल राग मगर एक है, यानी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। धर्म है अनेक जिनका डैश वही है, तो सार उनका एक ही है। पंथ है निराले सबकी खाली जगह तो एक है, तो क्या आएगा, पंथ है निराले सबकी मंजिल एक है। जो शब्द डैश के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तो संज्ञा। क्या आएगा यहाँ पे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। चलो सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। विविधता में एकता ही हमारे देश का तत्व है, हमारे देश की विशेषता है या हमारे देश का राग है। तो जवाब आएगा उसका, हमारे देश की विशेषता है। सभी धर्म एक समान है क्योंकि उनका सार एक है, उनका जन्मस्थान एक है, उनके प्रचार के तरीके एक जैसे हैं। तो आंसर रहेगा उनका सार एक ही है। अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर अपना जीवन समाप्त कर देती है, अलग अलग संदेशा देती है या अपनी एकता प्रकट करती है। तो आंसर रहेगा अपनी एकता प्रकट करती है, तो वह आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर की फ़ोटो मैं भेज दूंगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर ओरली देख लिए हैं। तो आपको यह कंप्लीट करना है आपकी वर्कबुक में, ये होमवर्क है आपका।